प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का पहली बार हमीरपुर जिला में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पहुंचे कुलदीप सिंह राठौर का विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक अनीता ब्रह्मा, युवा प्रदेश महासचिव अभिषेक राणा ने स्वागत किया। इस मौके पर राठौर ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, केवल हाई प्रोफाइल ही बने हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिता धूमल को चुनाव में राजेंद्र राणा ने परास्त किया है और अब बेटे की बारी है। राठौर ने कहा कि पढ़े लिखे हुए अनुराग ठाकुर संसद के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि निंदनीय है। परफॉर्मेंस देखो तो कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, और यहाँ के हमारे जो सांसद है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। उनके जो पिताजी थे उनको तो चुनाव में राणा जी ने परास्त किया, अब उनके बेटे की बारी है। क्योंकि वो आम कार्यकर्ता से जुड़े नहीं, आम लोगों के बीच में बहुत कम जाते हैं, और मैं इसलिए भी उनकी भर्त्सना करता हूँ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। संसद के अंदर जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए किया, वो बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जेटली ने उनको टोका कि आप क्या बोल रहे हैं, और बाहर आकर भी उन्होंने उस भाषा का उपयोग किया। तो शायद उनकी ये मंशा हो सकती है कि वो ज़्यादा गालियां देकर मोदी जी के करीब आना चाहते हैं। मुझे ये लगता ये बहुत बड़ा हमारे पास इशू था, इस इशू को लेके हमको जनता के बीच में जाना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या यहाँ रहा, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलेगा, हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त होकर उसका सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर कुलदीप राठौर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के बनने के बाद हवाएं और फिजाएं बदलेंगी और यूपी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पटकनी देगी। चलने के बाद पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि काफी समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को राजनीति में आना चाहिए। निश्चित तौर पे उनके बनने के बाद हवाएं और फिजाएं बदलेगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जहां उन्हें कार्यभार दिया गया वहां कांग्रेस पार्टी एक मजबूत होकर उभरेगी, और लोकसभा में हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होगी। कुछ ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ है जिसमें हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी को बने एक वर्ष हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही उनको हल्के में लेने का प्रयास किया, क्योंकि अगर किसी पार्टी को कमज़ोर करना हो तो उसके नेता को पे इतना हमला करो उसे कमज़ोर साबित करो ताकि पार्टी उठ ना पाए। राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने यही प्रयास किया, लेकिन एक वर्ष में उस व्यक्ति ने संगठन को ताकत दी, देश में जाके जनसभाओं के माध्यम से मोदी को ललकारा, उसी के परिणाम स्वरूप गुजरात में हम चुनाव जीत जाते, लेकिन धन बल का इन्होंने पूरा उपयोग किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस मिशन 2019 लेकर चली हुई है और अतीत को भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और व्यक्तिगत अहम बाद में है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों के लिए एकजुट तैयार हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अतीत को भूलकर वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए भविष्य की तरफ नज़र रख रहा हूँ, और मेरा हमारी नज़र जो है 2019 में हम अगर सामूहिक प्रयास करें, कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत रखती है कि हम चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ अगर मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में नेताओं में मनमुटाव है उसे दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सब लोग कोई सेल्फ ईगो के लिए राजनीति में नहीं है, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, बाकी व्यक्तिगत हमारा जो अहम है वो बाद में आता है, और इस दिशा में मैं बहुत सफल हुआ।
कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में कहा है कि आगे से कोई भी कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से एडवाइजरी जारी की है उसके बाद किसी भी कार्यकर्ता की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्पष्ट कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने एडवाइजरी निकाली और उसके बाद कोई व्यक्ति संगठन का बयानबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस न्यूज़। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इनडिसिप्लिन एंड जीरो टॉलरेंस फॉर हुलीगन्स इन कांग्रेस पार्टी। आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस एजेंडा वेरी स्ट्रॉन्गली। कुलदीप सिंह राठौर ने बी टीम की चर्चा पर कन्नी काटते हुए कहा कि बी टीम का पता लगाने के लिए ही बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा टिकट के लिए जो सशक्त उम्मीदवार होगा उसका नाम आगे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर भी सर्वे करवा रही है और समय आने पर टिकट के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। बी टीम की बात की जाती है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा कि धूमल बी टीम है, कभी बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस के अंदर, क्या रहेगा ये सारा? बी टीम कब खत्म होगी ये मुझे नहीं मालूम, यही तो जानने के लिए आया हूँ आज। सर अभी कार्यकर्ता, मैंने कहा कि पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, उसके बाद जब हमें आदेश होगा हमारी जो रिपोर्ट होगी वो हम दिल्ली देंगे। लेकिन दिल्ली से भी यहाँ सर्वे हो रहा है और हमने भी फैसला किया कि हम भी अपने तौर पे सर्वे कराएं और हमारी कोशिश होगी कि हम सशक्त उम्मीदवार को उतारने का प्रयास करें। बागियों के कांग्रेस पार्टी में आने की अटकलों पर राठौर ने कहा कि गुण दोष के आधार पर ही पार्टी में जहां विधानसभा चुनाव के बागियों को शामिल किया जा सकता है, वहीं भाजपा से नाराज चल रहे नेताओं को भी शामिल करने के लिए पार्टी आलाकमान से बात की जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि हमको संगठन में अगर हमारे पार्टी के कोई लोग हैं ऐसे, अगर वो महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की, आना चाहें तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन बगैर किसी शर्त। बहुत सारे लोग जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम देखेंगे गुण और दोष के आधार पर पार्टी आलाकमान अगर समझती है कि उनकी उपयोगिता है पार्टी के लिए, अगर उपयोगिता है, खाली ये नहीं कि यहाँ आकर खाली राजनीति करने के लिए आए नेता, वो नहीं होगा। अगर उपयोगिता है और पार्टी आलाकमान समझती तो पार्टी आलाकमान फैसला लेगी।